लगातार सियासत हो रही है पटाखों पर। त्योहार किसी भी धर्म का हो, मनाने का अधिकार सभी को है, सभी का अपना तरीका है, मनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब दुर्गा पूजा होती है तब पत्थरबाजी होती है, गणेश चतुर्थी होती है तब पत्थरबाजी होती है, दिवाली होती है तो पटाखे ना जलाओ, मतलब हर हिंदू त्योहार पर सवाल उठाना लाजमी हो चुका है। क्या यही सियासत का आधार बन गया है? नहीं, मैं कहूंगा इसका उत्तरदायित्व मैं कहूंगा हिंदुओं में सबसे पहले आता है, क्योंकि हम बड़े सीधे साधे लोग हैं, हम सर्वधर्म से ज्यादा जानते नहीं है, लोग हमसे डरते नहीं है। हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, लेकिन हमारा सर्वधर्म संभाव वास्तविक तौर पर वैसा बन गया है कि हम किसी को उत्तर देने का प्रयास ही नहीं करते। ये तो अब करीब 2014 के बाद से लोगों की हिम्मत जागनी शुरू हुई और लोगों ने समझाना प्रयास किया, लेकिन जो वातावरण इस देश में लगातार 70 साल रहा, आजादी के बाद रहा, एक नया उत्साह के साथ लोगों ने कुछ कार्य करना आरंभ किया था, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया गया। यानी एक इस प्रकार का एक वातावरण बना दिया गया कि जैसे हो वैसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला है नहीं। लेकिन 2014 के बाद नए उत्साह के साथ एक जीवन को जीने के लिए सनातन की पुनः स्थापना करने का जो कार्य आरंभ हुआ है, उसी की श्रृंखला है कि आज कम से कम विरोध तो हो रहा है। आज टीवी चैनल पर आप जो बैठ के बोल रहे हैं, मुझे नहीं याद 2014 से पहले इस प्रकार से बोलने की व्यवस्था भी रहती थी। आज टीवी चैनल भी खुलकर मीडिया भी इस बात को कहता है कि गलत है। भाई मुझे बताइए, अभी अभी अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में पटाखे मत चलाओ, अभी जमानत जब मिली थी, अभी छूटे नहीं है जमानत पे, जब बाहर आए थे तो पटाखे चला रहे थे, वो क्या था भाई, वो खांसी नहीं आ रही थी उससे क्या? मुझे बताइए क्या स्थिति मचा रखी है। और लगातार हिंदुओं का विरोध हर कोने पर हो रहा है। एक आज हिंदू ने किसी एक ताजिए पर कभी पत्थर बरसाने का सोचा भी हो? हमारे धर्म में है ही नहीं पत्थर मारना साहब, हम किसी को पत्थर मारते ही नहीं, मारने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन लगातार हमारे ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, पूरे विश्व में प्रहार हो रहा है, लेकिन हिंदुओं नहीं। इसीलिए आचार्य विक्रमादित्य जी, ये सवाल है कि क्या सनातन के खिलाफ एक खास एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है? मैं महंत राजू दास जी आपसे समझना चाहती हूँ, क्या सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से अब क्या लोगों को इतनी ज्यादा, एक तरह से कुछ लोगों को डर लगने लगा है कि क्या आपको लगता है कि एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है कि हर पर्व पर, जो भी हिंदू पर्व है, उस पर कोई ऐसी बात रख दो जो जिसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाए? क्या ये एक तरीके से ट्रेंड बनाने की कोशिश हो गई है? जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जब आपने पूछा कि फलाने महोदय ने कहा कि नहीं पटाखे नहीं जलाना चाहिए, वो किस कौम से है? इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले। हमने आज तक कभी कहा, किसी धर्म गुरु ने कहा, किसी संतों ने कहा, किसी साधुओं ने कहा कि ईद मनाने से, बकरीद मनाने से ऐसा होता, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से कुछ राजनेता नेताओं में सेकुलर को कीड़े काटते हैं, वो शुद्ध रूप से सनातन पर ही टिप्पणी करते, एक ट्रेंड सा चल गया है। बस सस्ती लोकप्रियता लेना है, सस्ते बातों में कूद कर टांग अड़ा कर अपने आप को चौधरी बनना है, तो कह देना करें कि होली मनाने से। और बड़ी खबर आपको बता दें, दुष्प्रचार गैंग पर बाबा बागेश्वर ने यहां बड़ा हमला बोला है। जिस तरीके से लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, होली दिवाली ही निशाने पर क्यों है? बागेश्वर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सनातन त्योहार से आखिरकार कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये बाबा बागेश्वर की ओर से तमाम सवाल पूछे गए हैं। होली और दिवाली को ही आखिरकार निशाने पर क्यों लिया जाता है? सनातनियों के त्योहार को टारगेट क्यों किया जाता है? तो दुष्प्रचार गैंग पर बागेश्वर बाबा ने एक बड़ा हमला बोला है। कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं कि आखिरकार क्यों होली दिवाली पर सवाल उठाए जाते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की डंडा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। उसने कहा है कि जितने दीयों में तेल जलाया जाता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अति से ज्यादा प्रदूषण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन केवल दीपावली पर ही बैन क्यों? होली और दीपावली पर ही टारगेट क्यों? अन्य त्योहार भी तो हैं। सनातनियों के त्योहारों पर केवल उंगली उठाए जाने पर हमारे अंदर रोष है। हम किसी से भी नाराज नहीं है, ना किसी भी सरकार से नाराज है, ना किसी भी नेता से नाराज है, ना किसी के बयानों से। हम इस बात पर नाराज हैं कि केवल सनातनीय हिंदुओं के जब भी त्योहार आते हैं तब क्यों? अन्य भी तो होते हैं, 1 जनवरी भी तो होती है, उस दिन क्यों नहीं बैन किए जाते हैं? अलग अलग फेस्टिवल, क्रिसमस डे भी तो होता है, उस दिन क्यों नहीं बैन किए जाते हैं? बकरीद के दिन हिंसा क्यों नहीं बैन की जाती है? अगर सनातन हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो आप तुरंत तो जो है लॉ निकाल देते हैं, कानून निकाल देते हैं, आप तरह तरह की बातें करने लगते हैं, फिर डिबेट होती है, आपको मजा आता है। हमारा उद्देश्य भारत में हिंदू मुसलमान ना हो,
सबको अपने अपने त्योहारों को मनाने का अधिकार है, तो सनातनीय हिंदुओं को भी त्योहार मनाने का अधिकार है, इसलिए हैप्पी दीपावली। हम तो सुतली बम फोड़ेंगे।